बिहार राजधानी पटना में दारुणं जरिगिंदे दानापूर कोर्टुलो अंडर ट्रायल खैदीनि इद्दरु दुंडगुलु काल्चि चंपारु खैदीनि कोर्टुलो हाजर परिचेंदुकु तीसुकोच्चे समयंलो ई घटन जरिगिंदि काल्पुलु चेसिन इद्दरिनि अरेस्ट चेशारु चनिपोयिन व्यक्ति अभिषेक् कुमार गा गुर्तिंचारु घटनपै केसु नमोदु चेसि दर्याप्तु चेपट्टिनट्लु चेप्पारु पटना सिटी एसपी राजेश कुमार। यहाँ पर पुलिस की लापरवाही साफ देखी जा सकती है कि अगर वहाँ शुरू के जहाँ हम लोग देख रहे हैं शुरू में वहाँ हथकड़ी लगी हुई थी उस अभियुक्त के हाथ में, जो साफ बताता है कि पुलिस की लापरवाही है। और बाद में जो है यहाँ पर पुलिस की तत्परता भी कही जा सकती है, उसको तुरंत पकड़ा भी गया है जिसने गोली चलाई है, करीब 5-6 राउंड जो गोलियाँ चली है। लेकिन ये पूरे कोर्ट के लेकर जो है सुरक्षा में भेद कहा जा सकता है। मौत जो है अभियुक्त की ही हुई है, एक ही मौत हुई है और ये जो है हम लोग के लिए भी एक खतरनाक बात है कि हम लोग यहाँ पर रोज आ रहे हैं। अगर इस तरह के इस तरह की वारदात रोज अगर होती है तो हम लोगों पर भी खतरा मंडरा रहा है और हम कोर्ट से मांग करते हैं कि यहाँ पर सुरक्षा और बढ़ाई जाए। अभिषेक कुमार उर्फ छोटे सरकार जो सिकंदरपुर बेटा का रहने वाला था, उस पर काफ़ी सारे हत्या के मुकदमे थे, उनकी पेशी जो है दो व्यक्तियों के द्वारा हमला किया गया जिसमें उनको गोली लगी। जो दोनों हमलावर थे उनको पुलिस के द्वारा पकड़ लिया गया है, पकड़ करके अभी उनको थाने पे भेजा गया है। बाकी गोली चली होगी, बाकी जो है अभी हम लोग उससे अग्रतर पूछताछ करेंगे कि उसको किसके द्वारा भेजा गया था और क्यों, हत्या का कारण क्या था। जो अभिषेक उर्फ छोटे सरकार है उनकी मृत्यु